वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं अपने रूम का यानी कि बेडरूम का मेकओवर। तो इसकी हालत मैं भी आपको दिखा देती हूँ क्या हालत हो रखी है, और इसके बाद जब हम इसको करेंगे ना क्लीन तो कैसा लगेगा। तो सबसे पहले देख सकते हैं बेडशीट तो बिछी हुई है लेकिन जो मुझे चेंज करनी है, और इधर देख सकते हैं यहाँ पे मेरी मशीन फिर यहीं पे आ गई है क्योंकि अब जो ना करवा चौथ का टाइम चल रहा है और दिन में नहीं सिला जाता है इतना, तो मैंने सोचा कि शाम में जो रात होती है ना हल्की जब तब तक सोते हैं तब तक सिल लेती हूँ, तो मैंने यहीं पर रख ली है। और इधर ये जो काउंटर रखा है इसको मैं हटाने वाली हूँ यहाँ से, यहाँ पे कुछ और रखूँगी वो भी आपको दिखाऊँगी। और वहाँ उधर कपड़े रखे हैं सिलाई के, और इधर भी जुगल की बॉक्स वगैरह पड़ी हैं और कुछ कपड़े भी पड़े हैं, और इसको मैं करने वाली हूँ चेंज। और वो मैंने बर्थडे का वो लगाया है, वो मैंने जुगल का रखा था बर्थडे का पहला, तो वो मैंने यहाँ पर लगा दिया है, तो उसको मैं हटाऊँगी नहीं, यहीं पर लगा रहने दूँगी। बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे क्योंकि हमें बैग थोड़ा सा सरकाना है, जो हमें उधर रखना है वो नहीं आ पाएगा। तो अभी देखते हैं किस किस तरह से सेटिंग करेंगे रूम की। और अभी हमारा मिट्टू है ना वो भी इसके अंदर बंद है, अब हम चलेंगे ऊपर छत पर से छोड़ के आएंगे। पहले देख रहे हैं बोल रहा है, देख सकते हैं, तो इसको हम इसके अंदर ही बंद रखते हैं, वैसे नहीं रखते हैं सिर्फ रात में बंद रखते हैं। बोल रहा है वो, कह रहा है कि मुझे छोड़ दो ऊपर, तो रात में बंद कर देते हैं। रात में इसलिए बंद करते हैं क्योंकि मम्मी सो रही हैं छत पर, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब बाहर निकलती हैं जाती हैं बाहर तो बाई चांस अगर गेट खुला रह गया तो अगर बिल्ली आ गई ना तो इसको खा जाएगी, तो इसलिए हम इसको रात को बंद कर देते हैं। और दिन में अभी पूरा दिन खुला रहता है, तो मैं अभी जा रही हूँ इसको ऊपर छोड़ने के लिए मिट्टू, और फिर करूँगी मैं रूम का मेकओवर। तो जल्दी से कर देती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है आज, क्योंकि जब अकेले करते हैं और सामान इधर उधर करते हैं तो वीडियो लंबी हो जाती है, तो मैं शॉर्ट में दिखाऊँगी। और सबसे पहले ना मैं जितने भी ये फ्लावर्स रखे हैं इनको वॉश कर देती हूँ, तब तक कि जब तक हमारी रूम की क्लीनिंग होती है तब तक ये सूख जाए, तो इनको भी सबको निकालूंगी वहाँ से। और ये जितने भी रखे हैं इधर 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 सबको इनको वॉश कर देती हूँ तब तक ये सूख जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो मैंने सबसे पहले इनको धुल के रख दिया है, वॉश कर दिया है, और यहाँ से हम अपने काउंटर से करते हैं स्टार्टिंग। तो सबसे पहले हम इसको ही हटाएंगे यहाँ से, तो सारा सामान मैं इसके ऊपर से नहीं हटाने वाली हूँ, इसको मैं ऐसे ही यहाँ से हटा दूँगी, क्योंकि अगर सारा सामान हटाऊँगी तो फिर बहुत सारा सामान है इसके ऊपर, ये बूफर वगैरह रखे हैं और इसके अंदर भी बहुत सारा सामान भरा हुआ है, पूरी रैक बनी हुई है इसमें। तो इसको मैं ऐसे ही खिसका के दूसरी तरफ ले जाऊँगी, तो इसको मैं रखने वाली हूँ अंदर, और जो अंदर से जो बॉक्स है वो लेके आऊँगी, उसको मैं यहाँ पे रखूँगी, उसका मुझे सोफ़ा बनाना है। तो ऊंचा रहेगा लेकिन अच्छा लगेगा, आप उस पर बैठ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत मजबूत जो बॉक्स है हमारा इतना हल्का वाला नहीं है। तो यहाँ पे मैं अपना बॉक्स ले आई हूँ, ये दरअसल ये मेरा वाला नहीं है, ये है बड़ी भाभी का, मेरा जो है वो थोड़ा छोटा है इससे, और मैंने बड़ा बॉक्स लिया ही नहीं था, मुझे पसंद नहीं है, मुझे बॉक्स ही पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों मुझे अच्छे नहीं लगते हैं बॉक्स। तो ये बड़ी वाली भाभी का है, यहीं पर रखा, अभी उनका काफ़ी सामान है यहाँ पर, तो अभी मैं इसको डेकोरेट करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कर लेती हूँ, बेड को थोड़ा सा खिसकाऊँगी क्योंकि उधर अभी थोड़ी जगह है ना वो थोड़ी कम है, तो एक एक बेड खिसकेगा, लेकिन ये पूरी चादर एक साथ जा रही है, ऐसा लग रहा है कि पूरा बेड खिसक रहा है, लेकिन नीचे का बेड नीचे ही रह गया और जो बेड का गद्दा है ना चादर के साथ चला गया। तो अब मैं दूसरे वाले को भी उधर सरका दूँगी, तो दोनों बेड एक साइड हो गए हैं। टैल बिछने से इतना फ़ायदा है मुझे कि मैं अकेले ही बेड को किधर भी कर सकती हूँ, वरना पता है किसी की कुसावन करनी पड़ती थी, किसी को बुलाना पड़ता था बेड अगर इधर उधर करना है हल्का फुल्का भी। तो इनको जो ना ये जो सोफे मैंने बॉक्स से बनाए हुए हैं इसको मुझे करने में बहुत सारा टाइम लगा, मतलब सही से सेट ही नहीं हो पा रहे कि किधर से रखूँ इनको, इधर से रखूँ, इधर से रखूँ, कहाँ पे रखूँ। मैंने पहले ये लंबे वैसे रख रही थी दोनों को साइड में, फिर मैंने एक आगे एक पीछे करके रखा जो खूट से आ रहा है ये कॉर्नर से बन के, लेकिन मुझे लग रहा है इसमें भी मुझे मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, पता नहीं क्यों, लगा के देख रही हूँ लेकिन मुझे ना अच्छे नहीं लग रहे अभी भी रख के ये, तो अभी देखती हूँ फिर दोबारा से चेंज करूँगी। तो पहले मैं इनको रख के देख लेती हूँ कि अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, अगर नहीं अच्छे लगे ना तो फिर इनको चेंज करूँगी। तो इनका मेरी समझ में आ नहीं रहा है कि मैं इनको कैसे करूँ,
समझ में नहीं आ रहा है, तो पहले हम दूसरी साइड कर लेते हैं, उसको बाद में करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मशीन को हटा दिया है, और मशीन हटाने के बाद अभी मैं यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ। झाड़ू मैंने सारे में लगा ली थी, लेकिन जो कपड़े वगैरह है ना, तो वो गिरे जा रहे हैं बार बार, तो इसलिए ऐसा लग रहा है। तो मैं फिर आ गई हूँ यहीं पर, और मैं इसको ऐसे करके देखती हूँ कि ऐसे अच्छा लगेगा कि, तो ऐसे भी थोड़ा बेटर लग रहा है, लेकिन ये ना स्पेस बहुत ज़्यादा घिर रहा है यहाँ पर, ऐसे लग रहा है कि भीड़ भीड़ सी थोड़ी सी। तो पहले हमने सबसे पहले हम इसका बॉक्स का कवर चढ़ाते हैं। मैंने इसका कवर ये पर्दे से सिला था, जो मेरा पर्दा वेस्ट हो गया था, मतलब कि ख़राब हो गया था, थोड़ा सा नीचे से कट गया था। मैंने इसको कटे हुए को निकाल के, और उससे जो कपड़ा बचा ना, तो दो पर्दों से मैंने ये इसका कवर बनाया। और यहाँ पर मैं रख रही हूँ ये वाले पिलो, और बीच में हम रखेंगे छोटे वाले जो हमारे हैं। ये मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, लेकिन जो इनके अंदर के हैं ना, वो मैंने हाथ से सिले हुए हैं, और ऊपर से कवर जो है वो ऑनलाइन है। तो यहाँ अभी हम आ गए हैं बेड पर, तो बेड की भी मैं क्लीनिंग कर रही हूँ पहले, और फिर मैं इसकी चादर जो है उसको भी छाऊँगी। तो पहले मैंने इसका सारा सामान मतलब साफ़ कर दिया जो भी इस पर रखा था, और जितना भी इस पर धूल, जो इस पर ना कलर ऐसा है, इस पर धूल बहुत जल्दी दिखाई देती है, तो मैंने अभी इसकी धूल भी क्लीन कर दी है। और अब मैं इस पर बिछा रही हूँ चादर। तो इस पर जो ना लाइट कलर की चादर बहुत अच्छी लगती है, जब भी मैं कभी बिछाती हूँ ना, अगर डार्क कलर की बिछा देती हूँ ना, तो वो इतनी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जो बेड है ना वो डार्क कलर में है, तो इस पर लाइट कलर की चादर ही बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे अभी मैं तकियों के पे, इन पे मैंने जो ना कवर चढ़ाया हुआ है, पहले ये वाइट थे नीचे से, लेकिन क्या हुआ था कि वो बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, तो मैंने ऊपर से कवर चढ़ा दिया है। अब इसके ऊपर से मैं कवर चढ़ा देती हूँ, तो ये जो ना गंदे भी नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि वाइट कलर जो होता है ना, जिसे कभी निकालते हैं तो वो बहुत गंदे दिखते थे, बहुत ही बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। तो अब मैंने इन पर कवर चढ़ा दिया है, ये हो गए हैं तैयार हमारा बेड। और अब मैं इसके बीच में लगा दूँगी छोटा सा पिलो, जो है हार्ट शेप में, बहुत ही प्यारा लगता है ये। तो ये भी हम लेके आए थे, शायद कल परसों लेके आए थे, जुगल को बहुत ज़्यादा पसंद आई है, तो हम मार्केट गए थे तो वहाँ से लेके आए थे। अब मेरे जो फ्लावर्स हैं ना, वो भी सूख चुके हैं, तो मैं इनको रख देती हूँ इस पर। जो मैंने कॉर्नर, ये कॉर्नर जो है, इसकी वीडियो मैंने डाली हुई है, मैंने ये हाथ से बनाया था, और सबको ही घर में बहुत पसंद आया था। तो अभी मैं सोच रही हूँ ना, एक और बनाती हूँ दूसरे वाले रूम के लिए। तो यहाँ पे मैंने सोफ़ा फिर से चेंज कर दिया है, मुझे फिर अच्छा नहीं लग रहा था, और इसको मैं अभी सेट कर रही हूँ, तो उधर वाला मैंने सेट कर दिया है। और जो स्टूल है ना, ये मैं यहाँ पे ले आई हूँ, और इसके ऊपर मैंने ये वाला जो पेड़ है ना वो रख दिया है, झाड़ू वाला पेड़ बोलते हैं इसको, लेकिन मुझे ना अभी भी ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है झाड़ू वाला पेड़ यहाँ पे रख के, तो इसको मैं अभी वहाँ से हटाने वाली हूँ। और ये मशीन का कवर जो मैंने हाथ से सिला हुआ है, तो ये मैंने यहीं पे सेट कर दिया मशीन अपनी, और अभी मैं इसको रख रही हूँ यहाँ पर, ये यहाँ पे अच्छा लग रहा है। और वहाँ रखूँगी मैं ओरिजिनल वाला पेड़ अपना, जो हम लेके आए थे। तो दोस्तों, अभी मेरे रूम का मेकओवर हो गया है, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ से मैंने टांगी है ये चिड़िया, जो बहुत ही प्यारी लगती हैं, देख रहे हैं आप। और इसके ही साथ ही एक मैंने इधर टांगी है पर्दे की दूसरी साइड, यानी कि वो हो गई उस वाली साइड, और ये हो गई इस पर्दे के इस वाली साइड। तो ये बहुत ही अच्छी लगती हैं, तो ये देख सकते हैं आप कितनी प्यारी लग रही हैं। और यहाँ पे मैंने ये जो बॉक्स है ये रखा है, और इसके ऊपर मैंने ये इस तरह से लगाया है, जिससे कि ये लगे जिस तरह के दीवान होता है ये बैठने का। आप इसे बैठ भी सकते हैं, इतना ऐसा वो नहीं है, बैठ सकते हैं आराम से यहाँ पे। तो इसके पास में आ गई है मेरी मशीन, और मशीन तो मेरी ज़रूरी है, क्योंकि कपड़े सिलती हूँ, तो इसको कहीं नहीं रख सकती हूँ, कहीं पे एडजस्ट कर भी देती हूँ तो फिर मुझे यहीं पे रखनी पड़ती है। तो इसको मैंने यहीं पे एडजस्ट कर लिया है विंडो के सामने, इसके पीछे विंडो आ रखी है जहाँ पे ये पर्दे लगे हुए हैं। और इधर से हमारे रूम को देख सकते हैं। ये प्लांट्स मैं कल या परसों लेके आई थी, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था ये, तो ये ओरिजिनल है, इसको आर्टिफिशियल ना समझे लोग, वो वाला जो है वो उधर रखा है ऊपर, वो आर्टिफिशियल है, लेकिन ये वाला ओरिजिनल वाला है। और ये मैंने यहाँ पे रखा है,
और इसकी मिट्टी अभी इसमें चमक रही है, अभी इसमें जो स्टोन आते हैं ना वो वाले वो डालूंगी जिससे ये दिखाई भी नहीं देगी, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ पे मैंने स्टूल पे रख दिया इसको, और यहाँ पे एक छोटा सोफ़ा रख दिया है, यानी कि छोटा वाला बॉक्स जिसपे मैंने कवर चढ़ाया हुआ है। और पहले मैंने बार बार रख रख के देख रही थी किधर से अच्छा लगेगा, तो ये यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसके साथ का एक मैंने इधर रख दिया है, लेकिन दोनों के प्लो अलग अलग हो गए हैं। अगर मैं बॉक्स पे रखती हूँ वो वाले, तो फिर वो जो गोल वाले हैं तकिए हैं ना, उनसे मैचिंग नहीं होंगे, तो मैंने एक साइड वो रख दिए हैं और एक साइड वो रख दिए हैं। और यहाँ आ गया है बीच में हमारा बेड, और बेड पे ही लेके आया है जुगल लव का जो तकिया है ना, बहुत ही सॉफ्ट होता है छूने में, आपने देखा भी होगा सबके पास होता है अधिकतर, लेकिन मेरे पास नहीं था तो ये लेके आए हैं हम। और बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही प्यारा लगता है, तो ये मैंने यहाँ पर रख दिया है बीच में। और ऊपर से मेरे फ्लावर्स आ गए हैं, ऊपर बर्थडे का जो जुगल का लगा हुआ था वो लगा हुआ है, उधर सारे कॉर्नर में मैंने जितने भी ये धुले हैं वॉश करे हैं इनको सबको मैंने सेट कर दिया है, और एक रख दिया है मैंने इसके बीच में। अगर आपको बैठना है मतलब बैठते हैं वहाँ पे, तो उसको हटा सकते हैं और कहीं पे एडजस्ट कर सकते हैं, हाँ ऐसा नहीं है, कहीं पे बहुत जगह है रखने के लिए। लेकिन क्या हुआ कि स्टूल एक ही है ना, बाकी जो स्टूल है वो बड़ा है, तो वो मैंने वहाँ यहाँ पे नहीं रखा। अगर छोटा स्टैंड वगैरह स्टूल होता तो उसके ऊपर वो आ जाता। लेकिन अभी जो ना मेरे का मन है कि मैं जो ना और पेड़ वगैरह लेके आऊँ, मुझे पेड़ पता नहीं क्यों बहुत अच्छे लगते हैं, तो लाऊंगी, सोच रही हूँ दिवाली से पहले पहले लेके आऊँ। अब दीपावली आने वाली है ना, उससे पहले लेके आऊँगी। तो मैं अवनी से ही बोल रही थी आज कि मुझे ना पेड़ लेके आने हैं, तो करवा चौथ के बाद चलेंगे दीपावली से पहले, तो जब हम लेके आएंगे बहुत सारे पेड़। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे मेरे रूम का मेकओवर हो चुका है, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे कि मेरा रूम का मेकओवर कैसा लगा। और यहाँ पर मैंने लाइटें नहीं लगाई हैं, जो छोटे वाली लाइट आती हैं झल्लर वाली, वो लगा तो लेते हैं लेकिन फिर उसको एक दो दिन अच्छी लगती है, फिर उसको उतार के रखना पड़ता है, तो मैंने वो नहीं लगाई। आपको सिर्फ ओरिजिनल जो लाइट चली हुई है ना, उसमें ही मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे अपने रूम का मेकओवर। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरा रूम आपको कैसा लगा, और मेरी वीडियो को ज़्यादातर लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और मुझे बताते रहिए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। तो इसी के साथ हम लेते हैं विदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।